पुरानी पेंशन को लेकर किया प्रदर्शन निकाला, पैदल मार्च एनपीएस, यूपीएस का किया विरोध। बरेली में अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने जिला संयोजक डॉ मुनीश कुमार गंगवार, मंडल मंत्री जगदीश गंगवार के नेतृत्व में ऑल टीचर्स और एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगभग 1000 कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च निकाला। इस अवसर पर डॉ मनीष कुमार गंगवार ने कहा कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मैं डॉक्टर मुनीश कुमार गंगवार, बरेली अटेवा जिला अध्यक्ष। क्या मांगे हैं आज जो ज्ञापन दे रहे हैं? हमारी मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल करे। एनपीएस का अटेवा शुरू से विरोध करता आया है, उस विरोध के फलस्वरूप सरकार ने कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिए यूपीएस रूपी झुंझुना पकड़ाया। यह यूपीएस इस एनपीएस से भी बहुत बुरी है। एनपीएस तो धोखा था और यूपीएस तो खोखा है। कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहता है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो पूरे भारत के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दें और कर्मचारियों को संतुष्ट करें। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि सरकार मांग पूरी क्यों नहीं कर रही। यदि पुरानी पेंशन एक देश के लिए अपने कर्मचारियों को देने में असमर्थता है तो वो नेताओं को क्यों दे रही है? वो न्यायपालिका को क्यों दे रही है? वो एक देश में जब सरकार एक संविधान की एक विधान की बात करती है तो यहाँ पर दो नीति क्यों अपनाती है? कुछ लोगों को पेंशन दी जा रही है और कुछ लोगों को नहीं दी जा रही। सरकारी कर्मचारी में आने वाला जो व्यक्ति है वो देश के गरीब निर्धन और गरीब वर्ग से आने वाला आदमी है। उस आदमी को बुढ़ापे में एक आर्थिक सहयोग चाहिए होता है, वो सहयोग आप उससे छीन रहे हैं। आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। ये देश के साथ राष्ट्रभक्ति नहीं है, देश के लोगों के पेट पर खुटारा घात है। एक देश तीन पेंशन, इसका ज्ञापन भेजा है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने जो यूपीएस लागू की थी और एनपीएस के जो अभी तक 20 साल से पैरोकार थे, अब वो यूपीएस की प्रबलता कर रहे हैं। हम लोग उसका आक्रोश के रूप में ये रैली भी निकाली है और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया। क्या नाम है आपका? मैं जनार्दन सिंह गंगवार, जिला अध्यक्ष डीपीए बरेली। क्या मांगे हैं आपकी? यहाँ हम लोग माननीय बंधु जी के नेतृत्व में आक्रोश रैली में इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की एक ही मांग है, मुख्य मांग है हम लोगों की, पुरानी पेंशन बहाल करना, क्योंकि सरकार हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। एनपीएस को कन्वर्ट किया यूपीएस में, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओपीएस ही चाहिए, क्योंकि सरकार अपने नेताओं को तो ओपीएस दे रही है और कर्मचारियों के साथ यूपीएस देकर छलावा किया जा रहा है। मैं और मेरे सभी कर्मचारी शिक्षक साथी आज पुरानी पेंशन बहाल हेतु यहाँ पर आक्रोश रैली में सम्मिलित हुए हैं। धन्यवाद। ठीक, बहाल करो चौहान, बहाल करो। आज आपने ज्ञापन दिया है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके साथ इकट्ठे हुए हैं? अरे बहुत सारे संगठन हैं, ऐसा कोई संगठन है नहीं जो हमारे साथ नहीं है इस समय। ये पूरे देश में, देश के हर जिले में आक्रोश रैली निकाली गई है और हम पुरानी पेंशन को लेकर के रहेंगे। यूपीएस और एनपीएस कर्मचारी और शिक्षकों के साथ धोखा है, इसलिए गवर्नमेंट को यूपीएस बहाल करनी पड़ेगी। पुरानी पेंशन डॉक्टर
मेरा पंकज यादव, जिला उपाध्यक्ष अटेवा। ये सरकार से मांग करना चाहता हूँ, हूबहू हमें पुरानी पेंशन चाहिए, ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए। क्या नाम है आपका? नीतू चौधरी। मेरा नाम नीतू चौधरी है। मांगे हैं आज सरकार से? हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करना। और जो सरकार है वो एनपीएस और यूपीएस हमें दे रही है, हमें एनपीएस भी मंजूर नहीं है और यूपीएस भी बिल्कुल मंजूर नहीं है। और जब ये माननीय जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब स्वयं ओपीएस लेते हैं, तो हमें पुरानी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारी एक ही मांग है, वन नेशन वन पेंशन। हम भी ये कहना चाहते हैं सर कि जब जितने भी मंत्री हैं या जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सब पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हम लोगों को नई पेंशन के फ़ायदे क्यों बताए जा रहे हैं? अगर नई पेंशन इतनी ही बढ़िया है तो वो लोग अपने पे लागू क्यों नहीं कर लेते? तो जब उनके पास पुरानी पेंशन है तो हम लोगों को भी पुरानी पेंशन ही दी जाए। पुरानी पेंशन नहीं दी जाती तो क्या करेंगे आप? तो लगातार इसी तरह से विरोध चलता रहेगा, जारी रहेगा विरोध। और अभी लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला है और इससे भी अधिक असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्या नाम है आप? पुष्पा गंगवार। पुरानी पेंशन को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सरकार नहीं करती ऐसा तो क्या करेंगे आप? हमारा लगातार संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे, पेंशन हकें लेकर रहेंगे। देखिए पेंशन जो है बुढ़ापे की लाठी है हमारी। सरकारी कर्मचारी के पास ऐसा कोई धन संचित नहीं रहता जिससे वो अपना बुढ़ापा गुजार सके, उसको गिनी चुनी यही हमारा एक साधन होता है बुढ़ापे पर जिसे हम गुजारा करते हैं। तो ये सरकार को हमारी संवेदनशील मांग को सुनना चाहिए और जल्दी से जल्दी पेंशन को बहाल करना चाहिए। यूपीएस बिल्कुल बेकार है। हम लोग आज एकत्र हुए हैं, यहाँ पर सभी विभाग हैं और यूपीएस में तो सरकार को और ज़्यादा घाटा है, क्योंकि उसको सरकार को 18% उसमें देना पड़ रहा है, एनपीएस में तो 14% था, तो ये तो और बड़ा बेकार धोखा है हम लोगों के साथ। और आज तक एनपीएस का किसी को नहीं पता कि एनपीएस का पैसा कहाँ जा रहा है। और कर्मचारी जो हमारे रिटायर हुए हैं, बरेली में भी अच्छी खासी संख्या में कर्मचारी रिटायर हुए हैं जिनकी कोई पेंशन का निश्चित उनको अभी तक भुगतान नहीं मिला है, कभी 1200, 1400, 1500, तो ये कोई पेंशन नहीं होती। महंगाई को देखकर हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा बुढ़ापा सही से गुजरे, तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से हमारी पेंशन बहाल करें। हमारे माननीय योगी जी से भी निवेदन है कि जब विपक्ष में आप थे तो आप लेटर लिखते थे हम कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब आप बिल्कुल हम लोगों की बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसको सुने और पुरानी पेंशन बहाल करें।